नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कारामाजू सरकारी नौकरी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा HSC क्लर्क, जो हाल में ही हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका आपको एक नोटिस मिला था, जिसमें कि 4858 पोस्ट क्लर्क की हुई। तो लेकिन दोस्तों, इनके बारे में एक खुलासा हुआ है कि हरियाणा क्लर्क भर्ती बड़ा बदलाव, कि परीक्षा में बदलाव, HSC नहीं लेगा क्लर्क भर्ती परीक्षा। तो दोस्तों, अगर आप ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपसे एक अपील करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की हमारी वीडियो। ये रहा तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा ROE स्कूलों की क्लर्क भर्ती परीक्षा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक ये हेडलाइन है वो पढ़कर बता देता हूँ कि इसके क्या बताया गया है इसके अंदर डिटेल में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन को एक और जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत ROE स्कूलों के क्लर्क व शिक्षक भर्ती परीक्षा की संचालन की जिम्मेदारी बोर्ड को दी गई है। तो दोस्तों, बोर्ड को दी गई है, बोर्ड प्रशासन ने इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। अनुमान है कि परीक्षा में 1,25,000 से अधिक आवेदन आने की संभावना है। तो दोस्तों, अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के अलावा एस्टेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा भी संचालित कराने जा रहा है। तो दोस्तों, यही जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया था। इसके तुरंत बाद में मैं आपको और बता दूं कि यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि HSC जो HBSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम लॉगिन करते हैं, ये रहा वेलकम टू HBSC। ये दोस्तों आपको ये रहे, ये जो नोटिस हैं, इन नोटिसों के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों। ये के है ROE रिक्वायरमेंट 2019। दोस्तों, इसकी वीडियो मैं आपको इसके तुरंत बाद दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें वीडियो आपको दिखाने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगी दूसरी वाली, जब आप इसको पूरा कंप्लीट देख लेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।